हेलो फ्रेंड्स, मैं विमला। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार वाला आम का अचार। सभी को बाजार वाला वो लाल मसाले वाला अचार बहुत ज्यादा भाता है, लेकिन उसे हम घर पर बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आम लेने हैं। आम इस तरीके से लेने हैं हमें, इनमें कोई दाग या कटे फटे नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आपको मार्केट से अचार वाला आम लाना है। और ये आम जो है कच्चा आम, ये अचार के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं। तो इसे हम अच्छे से धोकर के पहले अच्छे से सुखा लेते हैं, उसके बाद मैं इसे कट करूंगी। तो हमें इसे इस तरीके से कट करना है। ये जो जाली है इसे हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, तो मैं इसे इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और इन्हें भी हम जो है छोटे छोटे भागों में कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। आपको जितने बड़े पीसेस पसंद आए आप उतने बड़े पीसेस कर सकते हैं। तो मैं इन्हें कुछ इस तरीके के पीसेस में मैं इसे कट करूंगी। तो हम इन सभी आमों को इसी तरीके से कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसकी गुठलियां मैंने निकाल दी हैं। तो आम रेडी है, अब हम चलते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर हम जो है बाजार जैसे अचार का मसाला रेडी कर रहे हैं, जैसा कि मार्केट में मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। आपको सारी सामग्री को अच्छे से देख लेनी है। और यहाँ पर पैन मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था, तो ऑलरेडी ये सब गर्म है। और इसे हमें हल्का रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बस इसे थोड़ा टेम्परेचर दिखा देना है ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो खत्म हो जाए। इसमें 2 टेबलस्पून मेथी ऐड कर रही हूँ। मसाले थोड़ी ज्यादा बन जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप उसका यूज कर लीजिएगा दोबारा पिकल बनाने में या फिर अचारी पूरी पराठा बनाने में, काफी अच्छे लगते हैं ये। तो मेथी, सौंफ, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये राई दाल। तो थोड़े से मैं बचा लूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इन्हें अच्छे तरीके से हम रोस्ट करेंगे। जब हल्का सा खुशबू आने लगेगा अचार के मसालों से, तभी हम फ्लेम को ऑफ करके मसालों को निकाल लेंगे। ज्यादा हमें ओवर रोस्ट नहीं करना है। मसाले रोस्ट हो गए हैं तो मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। और इसे हम ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे। पैन हमारा गर्म है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कलौंजी यानी करायल को इसमें डाल दूंगी। और बस हमें इसे 10 सेकेंड तक इस तरीके से थोड़ा घुमा लेना है ताकि इसका कोई मॉइस्चर हो इसमें तो वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये अचार को खराब कर सकते हैं। तो सूखा होना, ड्राई होना अचार बनाते वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो भी बर्तन हम यूज कर रहे हैं या जो भी इंग्रेडिएंट मसाले हम यूज कर रहे हैं वो ड्राई होने चाहिए। अचार के मसाले ठंडे हो गए हैं तो अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो इन्हें ग्राइंड करने का तरीका ये है कि हमें इन्हें पल्स में ग्राइंड करना है, और इसका जो टेक्स्चर है वो काफी दरदरा होना चाहिए, यानी कि चीजें जो है वो समझ में आनी चाहिए कि हाँ हमने ये मसाले ऐड किए हैं, महीन पाउडर नहीं करना है। मसाले अब ग्राइंड हो गए हैं तो ये देखिए इस तरीके से हमें दरदरा ग्राइंड चाहिए, बहुत ज्यादा हमें बारीकी से नहीं करनी है। तो इसे हम बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं और बाकी की मसाले भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक जो है अचार के मसाले में, मैं अचार की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ, और अचार में जितना भी मसाला हमें यूज करना है वो आम की
की क्वांटिटी देखते हुए ही यूज करना है। नमक जो है अचार में थोड़ा ज्यादा पड़ता है ताकि ये अचार को प्रिजर्व करने का काम करता है और इससे अचार काफी टेस्टी और डिलीशियस भी बनेंगे और बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे गलकर। नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हल्दी के बाद इसमें ऐड करेंगे कलौंजी, कुटा हुआ लाल मिर्च जितना आपको स्पाइसी पसंद हो उतना, कश्मीरी लाल मिर्च ये तीखा कम होता है मगर इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और ये राई दाल जो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था इसे भी ऐड कर देंगे, इससे काफी अच्छा मसाला तैयार होता है और राई के दाने दिखते हैं तो काफी अच्छा लगता है देखने में भी। अब जो हम यूज करेंगे वो है हींग, तो यहाँ पे 7 से 8 पिंच हम हींग को यूज कर लेंगे और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसालों की बहुत अच्छी महक आ रही है फ्रेंड्स, तो ये मार्केट जैसा हमारा घर में बना हुआ अचार का मसाला तैयार है। तो हमारा ये मार्केट वाला अचार का मसाला तैयार है, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स कितना इजी है घर पर मार्केट वाला अचार का मसाला बनाना। तो बस इसी से अब हम आम का अचार बनाएंगे। तो मसाले जो है ज्यादा है थोड़े, तो हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि मैं इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखूंगी और जब कभी भी हम अचारी आलू अचारी करेला ढेर सारी जो वेजिटेबल होती है ना शादियों वाली भी वेजिटेबल तवा फ्राइज वो हम इस अचार के मसाले से बना सकते हैं। अब जो ये मसाला बचा हुआ है तो हम इसी में अपना अचार बनाएंगे। तो अब हम आम के पीसेस को ऐड कर देते हैं, आप चाहें तो आम के साथ नींबू हरी मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे ये ऑप्शनल है गार्लिक, अगर आपको पसंद है तो ही आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज ये गार्लिक के बगैर भी अचार बनता है। तो इसे मैंने जो पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसके चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं अचार में तो मैं इसे जरूर से ऐड करती हूँ। अब हम पहले सबको मिक्स कर लेंगे और ये अंदाजा लगाएंगे कि हमें और मसालों की जरूरत है या नहीं। तो अभी हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, तो ये देखिए मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। तो अब जो इसमें जाने वाला है वो है ऑयल, तो ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ और इसे मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था और इसे ठंडा कर लिया है क्योंकि हमें ये अचार जो है जल्दी खाने का मन हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरसों के तेल का जो तीखापन होता है वो पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने इसे गर्म कर लिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसे इजी यूज कर सकते हैं। तो हम ऑयल को ऐड कर देंगे, ऑयल की क्वांटिटी सफिशियंट होनी चाहिए ताकि अचार को प्रिजर्व करने का काम करता है ऑयल, इसलिए ऑयल की क्वांटिटी सफिशियंट होनी चाहिए। तो ये देखिए ये यहाँ पे मेरा जो अचार का प्रॉपर मेजरमेंट है मसालों का ऑयल का ये परफेक्ट है और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं आम के अचार में, तो अब हम इन्हें किसी ड्राई जार में इन्हें रखेंगे भरकर और जार को हमें अच्छे तरीके से वॉश करके धूप दिखानी है, इसे स्टरलाइज करना है तभी हमें जार को यूज करना है। ये विशेष बात है आम के अचार में या कोई भी पिकल आप बनाते हैं तो ये बातें ध्यान में रखने के योग्य हैं। तो अब हम इसमें अचार को भर देते हैं,
अगर आप सालों साल के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप ग्लास जार यूज करें। ये बात आपको विशेष करके ध्यान में रखनी है कि अगर आप सालों साल अचार को स्टोर कर रखना चाहते हैं आपको ग्लास जार का यूज करना है, क्योंकि खटाई जो है वो अपना काम करेगी, तो इस वजह से आपको ग्लास जार यूज करना है, इससे अचार सालों साल सुरक्षित रहेगा। फ्रेंड्स, अचार को मैंने कंटेनर में फिल कर लिया है और अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पे जो है थोड़ा बचा हुआ अचार है तो इसे मैं इस छोटे से कंटेनर में अलग से स्टोर करूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें ताजा फ्रेश अचार खाने का मन होता है, तो हम इसे हाथ ना लगाएं तो ही बेहतर है, जो हमने अच्छे से भरकर रखा है ताकि अपना गलने का काम करे और सुरक्षित रहे। और अगर मन करेगा तो हम इस छोटे से जार से अचार को लेकर यूज कर सकते हैं। तो इसे हम भर लेंगे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमारा आम का अचार रेडी है, बिल्कुल मार्केट वाला अचार जैसा कि बाजार में मिलता है। तो आपने देखा ना कितना इजी है मार्केट वाला अचार मसाला बनाना और अचार बनाना, तो बस इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप घर पर तैयार करें इजी मार्केट वाला अचार और इसका आनंद उठाइए और सालों साल स्टोर करके रखिए और मजे लीजिए। और जो अचार का मसाला है उसे एयरटाइट कंटेनर में बचा हुआ मसाला रखें और उसका यूज करें अपनी मनचाही रेसिपी में। तो आई होप आपको मेरी ये मैंगो पिकल रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल विदान किचन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी इसी तरह की अनगिनत पिकल रेसिपी लेकर आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।